खास तौर पे जो पेट्स के शौकीन है उनको महंगे महंगे केजेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। हम हैं गुजरावाला में और अभी हम जा रहे हैं मार्केट। मार्केट में थोड़ा सा काम है, लेके आनी है शक्कर, और शक्कर के अलावा भी एक दो चीज़ें जो हमें आपके साथ शेयर करनी थी। एक असद की डिमांड भी थी, सबसे पहले आप असद की डिमांड सुन लें, हम तब तक लेके आते हैं बाजार से शक्कर। अब्दुल्ला और ज़ारा को मिल गई जी सुबह सुबह कैंडी। कौन लाया ये? अच्छा, चलो खाओ जी। क्या क्या काम था? केजीज मैं देख रहा हूँ। कितने में तकरीबन पड़ रहे केजी? वो ना यूँ बॉक्सेस वाले केजीज हैं और तकरीबन चार थे और 26 का वो था। काफ़ी ज़्यादा है ये, मेरा प्रोग्राम है, इसे खुद से केज बना के देते हैं असद को, इंशाल्लाह से जरूर जाया करेगा। लेकिन उससे पहले ये तो बात की बातें, लेके आनी है शक्कर। एकदम सुबह सुबह मांग रही थी शक्कर थोड़ा सा घर में कुछ मीठा बनाने के लिए, तो चलते हैं दुकान पे लेके आते हैं शक्कर और उसके बाद चलो बाकी काम। अच्छा, बच्चों की डिमांड माशाल्लाह। जी आ गए जी हम शॉप पे, और ये है शक्कर जो कि 1 kg 290 रुपये, 300 रुपये, यानी चीनी से भी महंगी है। आसमान बिल्कुल साफ हो गया, और ये देखे जी गार्डन, खुली जड़ी बूटियाँ। रात रही है बारिश, लेकिन आज दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होने वाला है। और अब मेरा प्रोग्राम है निकलने का सिटी, और जो हमें चीज़ें चाहिए वो चल के लेके आते हैं सिटी से, आपको भी दिखाते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं ये केज बनाने के लिए जो मैं तजर्बा कर रहा हूँ। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अपने दोस्त साहब आपके साथ भी शेयर कीजिएगा। खास तौर पर जो पेट्स के शौकीन हैं उनको महंगे महंगे केजेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, हरी इसकी जात के बाद, यानी हमारी इस ट्राई के बाद। मेरे साथ जा रहे हैं माशाल्लाह मुजाहिद भाई। तो मुजाहिद भाई ये क्या उठा लिया साथ में आपने? एलसीडी। तो एक काम हमारा एलसीडी रिपेयर का भी है, तो ये भी साथ में करवाएंगे। खैर अब चलते हैं मार्केट और आपको दिखाते हैं वहाँ की सूरत हाल। ओके भी माविया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। शहर जा रहा हूँ। ओके अब्दुल्ला, अल्लाह हाफिज़। जी सही करवानी है ना, सिटी से सही करवानी है। चलो आप अंदर चलो, दरवाज़ा बंद करो, आके पुप्पो के घर लगाना, ठीक है? रिपेयरिंग के लिए एलसीडी ले आए हैं यहाँ शॉप पे, और यहाँ पे पता चला कि लाइट ही नहीं है। सबसे पहले तो फॉल्ट उसको ढूंढने के लिए लाइट चाहिए हमें। अब देखते हैं लाइट की क्या सिचुएशन बनती है, उसके बाद इसको जो है छोड़ा जा सकता है या लेके जाया जा सकता है। कहाँ चेक करेंगे अभी से? आए फिर आए। सोल्यूशन ये है कि एलसीडी को किसी और शॉप पर लेके जाएंगे, वहाँ चेक करेंगे कि इसका फॉल्ट क्या है। चलें तो इसका टूटा हुआ है पैनल। तो हजरत क्या हाल होगा इसका? पैनल ही नवा पड़ेगा, टूट गया है, अगर तो प्रेस वगैरह होती या कुछ हल्का सा प्रेस इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता तो कोई रिपेयर बनता। अब इसकी जो चेंजिंग है एलसीडी, और एलसीडी चेंजिंग जो है वो पूछते हैं कितने में होती है। तो इरफान भाई कितने में चेंज हो जाएगी इसकी एलसीडी? ये आपकी 17,000 रुपये का पैनल है। 17,000? 500 रुपया मजदूरी होगी। सही पैनल चाहे आप ले आए चाहे हम ले आए, दुकान आपको बता देंगे 17,000 का पैनल मिलेगा। सही है। उसमें भी कोई एक नंबर दो नंबर कोई अच्छा बुरा इसके ऑप्शन होते हैं कि बस एक ही? वो अभी वो IPS आ रहा है ना, जिसको कोई चीज लगे भी तो टूटता नहीं। सही, वो IPS पैनल है। सही जी मुजाहिद भाई। करवानी चेंज के लेके जानी वापस? चलो, तो प्रोग्राम ये बना कि भाई ने हमें बड़ा अच्छा मशवरा दिया इरफान भाई ने कि अगर आप इसका पैनल करवाते हैं चेंज, इसके बजाय आपको कुछ मिल जाएगी एंड्राइड। कितने में? IPS पैनल में 9 वर्जन में 25,000-24,000 की आपको मिल जाएगी, यानी 6,000 रुपये और डाल के इसके रेट के बजाय। तो नई और अच्छी वाली ले लें आप मल्टी मीडिया, तो हम वही ऑप्शन यूज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया इरफान भाई अच्छे मशवरे का। चले जी मुजाहिद साहब पकड़े। हालाँकि आज हफ्ता है लेकिन फिर भी बाजार जो है वो काफ़ी खाली खाली लग रहा है।
हम आए थे यहाँ पे पंप ढूंढने के लिए, तो हमें ढूंढते ढूंढते पंप ये मिले हैं जिनके रेट हमें मिल रहे हैं 5,000 और ये तकरीबन 7,000 में। खैर यहाँ मिले हैं हमें माशाल्लाह। ये भाई क्या नाम है आपका? फिजान भाई जी फील्ड में है माशाल्लाह, तो चलो हमें भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और साथ में इंफॉर्मेशन अच्छी मिल जाएगी, तो ये हमारे फैन भी हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फिजान भाई। तो इसमें आप गुंजाइश क्या होगी हमें मजीद? सही होगी, हमें काफ़ी प्यार मोहब्बत है, रेट बताएं, बाकी देखते हैं क्या फाइनल होता है। और ये है जी वो वायर जो हमें वायर चाहिए थी, ये भी हमने खरीद लिया। अब चल के इसको जो है बनाना शुरू करते हैं केज, और आपको बताते हैं कि उसकी क्या लुक आती है इंशाल्लाह। सामान लेके हम अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं वापस, और अभी बनाना शुरू करते हैं केज। पिंजरे के लिए सामान वगैरह लाने के बाद मैंने अभी चेंज किया पिंजरा बनाने के लिए, लेकिन हमारे आ गए हैं कुछ गेस्ट, तो आपको मिलवाते हैं अपने गेस्ट के साथ भी। प्लान तो अब जो हमारा पिंजरा बनाने का वो पोस्ट मोड ही है, तो उनको टाइम देना पड़ेगा। तो गेस्ट में जी हमारे पास आए हैं मिस्टर शहाब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आप किधर आए हो? ये सामान अब यहीं पर पड़ा रहेगा, आए हैं बड़ी मेहरबानी। कैसा रहा सफर? अल्लाह का यानी आप तो वैसे उस सफर के बाद भी दो सफर हो क्या रहे? नहीं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा, आप किधर थे? अभी लेट हो गए। मैं असल में ऊपर था छत पे चेंज करने गया था, एक काम था छोटा सा उसके लिए, तो वो भी अब लेट हो जाएगा वैसे बैठे। और साथ में आए जी मतलब उठ गए यहाँ से साहब भी दोबारा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। और भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। सब की हाल ठीक है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दिस नो कितने घूम रहे थे, लभदे ही नहीं था अजकल। असली सर आती लभना जी लभना। अच्छा तो साबिर साहब अकेले ही हैं, जैद साहब को साथ नहीं लेके आए? वो क्यों नहीं आए वैसे? गाड़ी में जगह कम थी। अच्छा इंशाल्लाह इनसे अब होंगी खुशगपियाँ, और उसके बाद इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करते हैं जो भी वाकयात होंगे। पानी शानी के बाद आप बैठे हुए थे फ्री भाई साहब और असद साहब, तो ये भाई साहब ये ले हाथ मुँह चलाते रहे। हेलो फ्रेश ग्रेप्स जो कि भाई मुबारक और भाई साहब ही साथ लेके आए थे, मैंने कोई काविश नहीं की इसमें सिवाय धोने के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़े हो रहे छोटे क्यों? मैंने ज़्यादा टाइम मिल गया था ना, थोड़ा टाइम मिला दरख्त। दस्तरखान जी रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। साबर आसिम साहब और मिस्टर असद साहब जो हैं वो विराजमान हो चुके हैं, मैं ज़रा इनकी खिदमत के लिए दौड़ ले धूप कर रहा हूँ। फाइनल आइटम थी ये रायता, तो ले जी भाई साबर बिस्मिल्लाह करो। खाने में हमारे पास चिकन, फ्राइड राइस और दाल। भाई मुबारक दस्तरखान से एबसेंट हैं क्योंकि उन्हें जाना था एक ताज़ियत पे, और वो खाना वगैरह वहाँ से खा के आने वाले हैं, तो हम यहाँ पे अपना जो है वो लंगर लेट नहीं करते, जल्दी जल्दी खाना करते हैं। चावल डाल असद को मज़ीद खिदमत चाहिए, यानी प्लेट भी हम तैयार करके देंगे। आपने अपने पास चावल रखे तब दाल सही ना? यार शोर चार बंद कर दे। खाने वगैरह के बाद अब तैयार हो गई थी चाय, तो क्यों ना सबके साथ मिल बैठ के पी जाए। आपके पेट्स बहुत शोर में जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा था कुछ मांग रहे होंगे। वो कह रहे हैं असद भाई इधर आए जल्दी जल्दी। हमारी वीडियोस भी बनाए, हमें कुछ खाना खाना भी खिलाए। नहीं खाना वगैरह उनको डाल के आया था। अच्छा वक्त हो गया 8 का, रब प्रोग्राम बना लिया भाई मुबारक और साबिर साहब ने जाने का, तो रुकते रात सुबह चले जाते। नहीं कोई बात नहीं, ओके जी भाई। भाई मुबारक की वैसे तबीयत भी ख़राब है, मैं तो कह रहा था कि रुक जाते मगर रुक तो जाते हैं, असल में घर में भी काफ़ी काम जो अभी। आप भी जा रहे हैं?
ये अपनी चारपाई पे जा रहे हैं। नहीं मैं बाहर जाऊँ। अच्छा बाहर जा। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों अहबाब के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में जरूर दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। मिलते हैं चैनल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।